अब ये एनर्जी मैंने अभी आपको बताया है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी जो है वो कहाँ से रिक्वायर्ड होती है, एटीपी की शक्ल में। अब एटीपी जो है वो कहाँ से रिलीज होता है आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पहले ऑलरेडी पढ़ा है, एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में जब ग्लूकोज की ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और साथ में क्या बनता है, एटीपी बनता है। और आपको पता है जब आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज या कुछ ज़्यादा काम करते हैं तो एरोबिक के साथ साथ एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी स्टार्ट हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो। लेकिन जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय जो है वो क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड जब हमारे मसल्स के अंदर कैमुलेट होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो उसके नतीजे में हमारे मसल्स जो है वो थक जाते हैं, थकावट अकड़ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मसल फटीक। एक तो ये मसल फटीक होगी ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड, ठीक है। एक ये डिजीज़ है, एक ये मसल्स की डिजीज़ है टैटनी जिसको हम बोलते हैं। ये क्या होती है, इट इज़ द कॉज बाय द लो कैल्शियम आयन, यानी इसमें आपकी बॉडी के अंदर का कैल्शियम आयन जो है वो लो हो गया तो रात के टाइम अक्सर जो है आपके मसल जो है वो थोड़ा सा ट्विच कर जाता है, खींच जाता है, जिसे आप कहते हैं आम जुबान में हमारा पट्ठा खींच गया है, उसको बोलते हैं टैटनी। अब नेक्स्ट कंडीशन है क्रैम्प। ये अक्सर जो है कुछ जो है जिनके मसल्स बहुत वीक होते हैं या जिनके अंदर जो है वो शुगर का मसला होता है, शुगर लेवल लो हो जाती है या डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो रात के टाइम अक्सर जो है वो सोते हुए टांग अकड़ाते हैं तो वो टांग का पट्ठा इतना शदीद किस्म का खींच जाता है कि वो बिल्कुल टॉट हो जाता है, सख्त हो जाता है और बहुत शदीद किस्म की पेन होती है कि जिसके नतीजे में आँख अचानक खुल जाती है, इसको हम बोलते हैं क्रैम्प, खलियाँ पड़ना, ठीक है। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी है, ये दो डेफिनेशन है, लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट और टेंडन ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की एग्जांपल है, यानी वो कनेक्टिव टिश्यूज़ जो दो बोन्स को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, दो बोन्स को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। और ऐसी अटैचमेंट कनेक्टिव टिश्यूज़ की जो बिटवीन द मसल एंड बोन, यानी बोन और मसल्स के आपस में जो अटैचमेंट होती है जिसके कनेक्टिव टिश्यूज़ के जरिए, उसको हम बोलते हैं टेंडन, ठीक है। अब हमारे जो मसल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, एंटागोनिस्टिकली मूव करते हैं। एंटागोनिस्टिकली मीन्स के अगर एक जो मसल है वो एक डायरेक्शन में अगर पुल कर रहा है तो उसका साथी कंपेनियन मसल्स है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल हमारा एल्बो जॉइंट, हमारी जो कोहनी है, हमारी कोहनी ये बाजू है, बाजू के ऊपर वाले जो मसल है इसको बोलते हैं बाइसेप। बाइसेप मीन यानी दो लेयर पर होता है और नीचे वाले जो मसल्स हैं वो तीन लेयर पर मुश्किल होते हैं जिसको बोलते हैं ट्राइसेप, ठीक है। जब रेस्ट की हालत में हमारा बाजू होता है, ठीक है, तो ऊपर वाला जो है हमारा ये रिलैक्स कर रहा होता है और नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। जब आप बाजू को ऊपर की तरफ आप उठाते हो, ये आपका बाजू है, जब आप इसको ऊपर की तरफ उठाओगे तो आपके जो बाइसेप है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और जो ट्राइसेप है वो किस हालत में आ जाएंगे, रिलैक्स की हालत में, यानी एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होते हैं। यानी एक वक्त में जो एक रिलैक्स कर रहा है मसल, दूसरा जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की हालत में होगा। अब जब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे वाला रिलैक्स। जब आप बाजू को दोबारा रेस्ट की हालत में लाएंगे तो ऊपर वाला जो है वो फिर रिलैक्स हो जाएगा और नीचे वाला कॉन्ट्रैक्शन की हालत में आ जाएगा। यानी द मूवमेंट ऑफ द मसल्स इन टू द अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटागोनिज्म, या हमारे मसल जो है वो एंटागोनिस्टिकली मूव करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर।